ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, ये देखें धूप बहुत ज़्यादा तप रही है, वो धूप तो देखें कैसे तप रही है, बहुत गर्मी हुई है। और ये देखें इसके ऊपर मैंने कार्टन डाले हुए हैं, ये देखें। हाँ भाई चूजे, आज कैसी गर्मी लग रही है तेरे को? लग रही है ना? हाँ लग रही है। ये देखो भाई बच्चों का शूट गन आई हुई है, ये देख भाई, ये देखे भाई ये साइकिल देखे, अभी पूरी साइकिल तैयार करनी है, इसका तो पूरा कीमा बनाऊंगा। ये देखे, ये देखे पार्ट्स वगैरह, टायर वगैरह, सीट, टायर सब कुछ निकला हुआ है भाई। अब ये टायर लगाते हैं और इस टायर को भी लगाना है ये। अब इसको बहुत गर्मी है, अभी देखा पानी भी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी तक ये बड़ा मसला हो गया भाई, अभी ये एक न्यूज़ आई है, कराची शहर में पूरा शहर बंद कर दिया गया है और शारा फैसल पूरा बंद पड़ा हुआ, और अभी तक भाई भी नहीं आए, भाई भी गए हुए थे माल के लिए, तो वो गाड़ी में गए थे, वो माल लेने गए हुए हैं, और इमरान खान की गिरफ्तारी का मसला चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ अभी तक। अभी जी आ गई है तो ये देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, व्यूज़ कैसे हैं, उम्मीद है खैर बरकत से खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड वेलकम माई शॉप। और आज कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, आज तो बताया जा रहा है 37 डिग्री चल रहा है, 37 डिग्री और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और धूप देखें कैसे तप रही है, वो देखें पार देखें, धूप तो देखें कैसे तप रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने साइकिलों के ऊपर कार्टन डाला हुआ है और वो ऊपर छपड़ा भी नहीं है ना कि ऊपर छपड़ा लगा हो, अब वो अब ये कि धूप ज़्यादा है वहाँ पर बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसी गर्मी तप रही है कि आज तो पता चल रहा है कराची में आज गर्मी है। ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, ये देखें धूप बहुत ज़्यादा तप रही है, वो धूप तो देखें कैसे तप रही है, बहुत गर्मी हुई है। और ये देखें इसके ऊपर मैंने कार्टन डाले हुए हैं, ये देखें सारे कार्टन रखे हुए हैं, ये देखें इसी, ये देखें कैसे रखे हुए हैं सारे, इतनी गर्मी है कि हमें कार्टन रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइकिलों के कलर ख़राब हो सकते हैं ना, क्योंकि जंग लग सकता है, इस वजह से उनके ऊपर कार्टन रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा 37 डिग्री चल रहा है और गर्मी ऐसी तपरी लगी हुई है, पता चल रहा है कि कुछ गर्मी है। अब जो कराची का मौसम है, जो मौसम होता है वो मेरे ख्याल से वो स्टार्ट हो जाता है 10 बजे, 10 बजे ऐसे ही गर्मी चली जाती है, फिर 10 बजे के बाद 34 सेंटीग्रेड बढ़ने पड़ जाता है, फिर उसके बाद जो बढ़ता है या जो फिर बढ़ जाता है 35, 36, 37, अभी है 37 चल रहा है और दोपहर के 3 बजे फिर तो ऐसी गर्मी पड़ती है 37 और 38 हो जाता है सेंटीग्रेड। फिर जब ये गिरेगा ना टेम्परेचर तो 5 बजे तो गिर जाता है, फिर 5 बजे के बाद जाना फिर 30 में आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है 27, रात 8 बजे तक फिर 27 डिग्री हो जाता है, तो फिर 12 बजे तक जाके फिर मौसम जो ना वो रात के 12 बजे तक हो जाता है, फिर 24 तक चला जाता है। और गर्मी ज़्यादा है क्योंकि मई का महीना चल रहा है, तो उम्मीद हो सकता है कि बारिशें भी हो जाएँ, और वैसे आजकल देखे जाए तो पंजाब साइड में बहुत बारिशें हो रही हैं, और खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पर भी बहुत बारिशें हो रही हैं, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और हमारी जो अम्मी जी है वहाँ पर गई थी, गांव गई थी, तो वहाँ मौसम बहुत प्यारा था, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा मौसम। हाँ भाई चूजे, आज कैसी गर्मी लग रही है तेरे को? लग रही है ना? हाँ लग रही है। ए चुप्पे, बोला हाँ लग रही है। देखो भाई इतनी गर्मी में चूजा भी हमारा घूमेगा, आप चलते हैं उसको चाबी देते हैं, चूजा हमारा रोज वीडियो में आता है भाई, रोज चूजे आजकल तू मशहूर हो जाएगा, बहुत अच्छा वायरल हो जाएगा वीडियो में, आप तेरी देखे वीडियो भी आ रही है, ये देखे जबरदस्त भाई, बचपन में चूजे बहुत पसंद है मेरे को, समझ रहे हो, अभी चूजे से बहुत प्यार हो गया, अभी नकली चूजे पालने पड़ रहे हैं। असली चूजों का है मजा तो सही है, लेकिन उनको संभालना बड़ा मुश्किल है यार, टाइम चाहिए होता है टाइम। ये देखो भाई गर्मी लगी ना तेरे को, पता चला नहीं गर्मी लगी ना तेरे को, हैं बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, कैसी गर्मी लगी पता चला, तेरा तो गेम बजाना, चल अब छुट्टी कर। ये देखो भाई बच्चों का शूट गन आई हुई है, ये देखे शूट गन, ये है प्लास्टिक की बोले होती हैं और इसमें ये आगे से चलती है, ये इसका लोडर है, यहाँ से लोड होती है और यहाँ से इसका ये ट्रिमर है, टक फायर, और ये इसका ये आगे का लगाने के लिए होता है ताकि ये फोम की गोलियाँ हम लगा सकें, ये की आगे लगती है। और इसके कुछ खाने भी दे दिए हैं यहाँ पर, जगह बनी हुई है इन गोलियों को रखने के लिए, इन तीनों को इसके अंदर, काफ़ी बेहतर क्वालिटी है, लेकिन ये है पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट वाइज है और प्लास्टिक थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बेहतर प्लास्टिक है। अच्छा जी इसकी जो प्राइस मैं बता दूँ, ये बच्चों की ये हो जाती है, ये 500 की पड़ती है, 500 ये कार्ड है पूरा,
तक हो गया आती है, पीछे से देखें ऐसे है पाकिस्तानी पैकिंग है। हमारे साहब को देखें कैसी पिस्तौल पकड़ी है, ऐसा लग रहा है कहीं से लड़ गया है खुशी से, बहुत खत्म खुश हो रहा है तू, बहुत ज़बरदस्त है। और डबल एक्शन ट्वाइस, डबल एक्शन ट्वाइस का मतलब बॉल भी और फॉर्म की गोलियाँ भी, हमको सिखा दिया है टू इन वन शूट एंड पॉल गन टू इन वन। और इसका कार्ड भी अंदर दे दिया निशाना मारने के लिए, अंदर कार्ड भी पड़ा होगा। हाँ जी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को पसंद आई है वीडियो, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और इस बंदूक के बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे टॉयज आ गए हैं जो बच्चे कहते हैं अबू हमें भी लेके ये दो, अबू हमें ये भी लेके दो, पापा ये लेके दो, वो लेके दो, बच्चे वाह क्या एक्टिंग कर रहा। क्योंकि एक वो होती है ख्वाहिश, छोटे बच्चे होते हैं शुरू शुरू में करते हैं, लेकिन मैं भी जब छोटा होता था मैं बहुत शौकीन होता था खिलौनों का, खिलौनों का बड़ा शौकीन होता था, तो बाबू मेरे सऊदीया से बेचते थे टॉयज वगैरह बेचते थे और वो मैं उनके साथ खेला करता था, और अबू भी दिया करते थे, अम्मी जी भी दिया करती थी हमें खिलौने। भाई ये देखो भाई कराची में कितनी गर्मी है, मेरा तो पसीना हालत ख़राब हो गई है गर्मी से, आए काम भी कर रहा था थक गया बहुत। भाई ये देखे भाई ये साइकिल देखे, अभी पूरी साइकिल तैयार करनी है, इसका तो पूरा कीमा बनाऊंगा। ये देखे पार्ट्स वगैरह टायर वगैरह सीट टायर सब कुछ निकला हुआ है, अब इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम होता है इन चीज़ों को बनाने में, बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। अब ये देखें इनके पार्ट्स खुले हैं, सबको बनाना पड़ेगा। और ये पंखे की आवाज़ आ रही है ना, तो आप इससे प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं होएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये हमने पंखा लगाया हुआ है तो पंखे की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं होगा, आप वीडियो पूरी देखेंगे या इन्जॉय करिएगा। ये देखिए भाई अभी ये लगा दिया मैंने इसका, अब उसके बाद हम ये लगाएंगे, फिर ये नट लगाना है, अब इसको ये देखिए भाई मैं इसके अंदर ये रॉड डाल रहा हूँ और ये इसके अंदर ये लगा दिया ताकि ये यहाँ से इसका नट लगा दें तो ये इधर से लगेगा। हाय बड़ी मुश्किल से नट लगाया यार, ये नट बड़ा मुश्किल से लग रहा था, और थैंक यू नट लगा के, बहुत मुश्किल है इसको साइकिल को बनाना, फिटिंग करना बड़ा मुश्किल। अब इसके हम दोनों के टायर लगाएंगे पीछे वाली साइकिल के टायर हम लगाएंगे, और वो दो टायर ये रहे और ये लगाएंगे और ये लगेगा और एक ये लगेगा। भाई ये देखे भाई दोनों टायर लगा दिए, ये देखे ये भी लग गया और वो भी लग गया। ये भाई अब ये टायर लगाते हैं और इस टायर को भी लगाना है, ये अब इसको भी लगाते हैं, ये तो लगेगा। ये देखे एक नट लगा दिया और एक नट ये, ये देखे भाई हमारी टूटी हुई साइकिल आधी तैयार हो गई, बाकी रह गई है क्या सीट, सीट नहीं होगी तो बच्चा कहाँ बैठेगा, सीट भी लगानी है जो उसके नट लगे हुए हैं दो पहले से, अब हम सीट लगाते हैं, टायर वगैरह तो हमने लगा, मैंने अभी इसकी सीट भी लगा ली, साइकिल थोड़ी मतलब कंप्लीट हो चुकी है। ये देखे भाई हमारी साइकिल तैयार हो गई है, ये देखे कंप्लीट हो गई, शाबाश बेटा, अब मज़ा आया, साइकिल बनी है कुछ उतना मुश्किल से बनी है, बहुत के नट वगैरह टायर वगैरह सब निकले हुए थे, अभी देखे सारा पूर जोड़ा है इसको। ये देखे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है आपको साइकिल भाई, मज़ा आया। अच्छा साइकिल की जो प्राइस है ना वो बता दूँ, ये है 5,000 रुपये की, 5,000 चाइना से आती है और डब्बे में पैक होकर आती है, जैसे मैंने आपको बोला देखा होगा आपने अनबॉक्सिंग की हमने डब्बे से, और ये चाइना से आती है, टायरिंग के रबड़ के होते हैं, पाइप इसके लोहे के हैं, काफ़ी मजबूत साइकिल है, इसमें 3 साल का बच्चा बैठ जाए 5 साल का बैठ जाए, साइकिल पायदार है, कच्चे पक्के में चल जाती है। और आप वो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स करके साइकिल कैसी लगी। भाई गर्मी इतनी है कि कराची में बहुत गर्मी है, आज गर्मी में इतना काम करना पड़ रहा है और हालत ऐसी टाइट हुई है, बहुत गर्मी है। ये देखें भाई गर्मी इतनी टाइट लगी हुई है, उनके ऊपर मैंने कार्टन रखे हैं, ये देखें सारे कार्टन रखे हुए हैं, और ऊपर सूरज देखें कैसे तपा हुआ है, ऐसी टाइट गर्मी लगी हुई है, ये देखें ओए धूप है भाई भागो, चलो भाई बहुत गर्मी है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, बहुत गर्मी है, अभी देखा पानी पीना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी तक ये बड़ा मसला हो गया भाई, अभी ये एक न्यूज़ आई है कराची शहर में पूरा शहर बंद कर दिया गया है और शाहरा फैसल पूरा बंद पड़ा हुआ, और अभी तक भाई भी नहीं आए, भाई भी गए थे माल के लिए, तो वो गाड़ी में गए थे वो लेने के माल लेने गए हुए, और इमरान खान की गिरफ्तारी का मसला चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ अभी तक, और अभी ये न्यूज़ आई है अभी तक कह रहे हैं कि शाहरा फैसल पूरा बंद पड़ा हुआ है,
और बहुत मसला भी, और ऊपर से गर्मी भी ज़्यादा है। ये देखें धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है और लोग सारा फैसले फंसे हुए हैं गर्मी में, पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी मसला हल हो जाए और लोग परेशान ना हो, आवाम हमारी सारा परेशान हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह करे मसला हल हो जाए जल्दी जल्दी से, सारे रास्ते खुल जाए। हाँ जी, मज़ा आया वीडियो में, इंजॉय किया आप लोगों ने। अभी है देखें रात का टाइम भी हो गया है और फिर भी हल्की हल्की सी गर्मी हुई है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है, लेकिन मौसम रात को अच्छा हो जाता है। बहुत दिन में तो बहुत गर्मी थी और थोड़ा सा वो इशारा फैसला का मसला हो गया था, रास्ता बंद हो गया था शहर का, तो शुक्र अल्लाह का भाई भी पहुंच गए, वो आ चुके हैं, शाम को पहुँच गए थे। वो कहते हैं कि मैं पहले निकल गया था, वहाँ आके फंस गए थे क्या बात में आके। तो फिर हम चलेंगे घर, तो अम्मी जी भी आ चुकी हैं गाँव से, तो वो भी गई थी इस्लामाबाद गई थी, अभी वो इस्लामाबाद से फिर घर आए हैं इधर। तो फिर हम लोग जाएंगे घर, फिर अमित जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अभी है बंद करने का टाइम, फिर चलते हैं, रात का टाइम हो चुका है और 11 बजने वाले हैं। हमारा जो रूटीन होती है वो 11 से 11 बजे की होती है। अभी बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं और काम बहुत ज़्यादा था, तो कि एक तो गर्मी भी ज़्यादा थी आज और बहुत काम था, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर चलते हैं, बंद करते हैं दुकान को। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा जी, अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, अभी बहुत थका हुआ था, अभी घर पहुँचने में नहीं देखे, अंधेरा बहुत हो गया है, देखिए अंधेरा कितना हो गया, अभी चार निकल रहा है। अभी दुकान से आया हूँ, बहुत थका हुआ था, शॉप बंद करके आया हूँ, चलते हैं घर में, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा जी, अभी है बंद करने का टाइम और चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो बिल्कुल चैनल को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इंजॉय बिल्कुल कीजिएगा और इसके ऐप ना कीजिएगा। और ना आपको मैं अभी जी से बुलाऊँगा, तो अभी जी आ गई है, तो ये देख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक? आप सब लोग ठीक हैं? और कैसे हैं, खैर खरियो से हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, हम भी खैर। हाँ, गांव से आए थे, कैसा लगा आपको? और मैंने गांव गई हूँ अभी हफ्ते के लिए, तो मेरे ना बड़ा दिल चाह रहा है कि आप लोगों की खैर खरियो पूछे, और शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी मैंने बैठी हूँ तो मैंने बोला आपने पहले अपने बच्चों की, बड़े छोटों की खैर खरीत पूछूँ। और बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गई हूँ गांव, मज़ा आया मेरे को, वहाँ इतनी सर्दी है, बिस्तर ओढ़ के सोते हैं, पर मौसम थोड़ा अच्छा है, तो बहुत गर्मी है, कराची में बहुत गर्मी थी, तो बोला था सुबह बहुत गर्मी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ का मतलब है मौसम, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं है, कराची में रात को भी मौसम अच्छा हो जाता है। और फिर मैं जो ना आ गई, तो आप लोग बेटा कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खरियो से होंगे, अल्लाह ताला आपको निगबान हो, अल्लाह आपको बहुत खैर खरियो से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो मेरे लिए भी बेटा दुआ करना, हमारे दोनों बेटे माँ बेटे के लिए दुआ करना, हम लोगों को भी अल्लाह आबाद खुशहाल रखे, आपकी दुआ हमारे साथ है, हमारी दुआ आपके साथ है। तो बेटा इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात करूँगी, मुलाकात करूँगी, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब अल्लाह ताला हर बात पे सलामती। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप लाइक करें और शेयर करें बेटा। तो मेरे बेटे को मैंने बोला भी, मैंने ही था आपका मतलब कैसे आपने वीडियो बना के डाली, कैसे आया, तो कह रहे अम्मी आपकी थोड़ी कमी ही बाकी में डाल रहे हूँ ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई हूँ, जाके घूमी फिरी हूँ, तो फैसल मस्जिद भी गई हूँ, सारा आई हूँ, और उसमें मैं थोड़ी वीडियो बना के लेके आई हूँ, हो सकता है आपको भी दिखा दें ना। ठीक है बेटा, वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है जी, खुदा। हाँ जी बिल्कुल, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।